everyone. Good morning, everyone. How are you all? Today we are all gonna go Expo 2020. We हम लोग निकल रहे Expo 2020. 2020 हम जा रहे हैं. तो एक्सपो ख़त्म होने वाला है तो इसलिए सोचा कि अभी जाके देख के आया जाए. अभी तक हम गए नहीं है एक्सपो, तो आज चलते हैं एक्सपो. स्कूल में गया हूँ मैं एक बार. आधी गया है एक बार. फूल नहीं देखा मैंने. फूल नहीं देखा. हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं देखा. तो हम चलते हैं आज देख के आते हैं. चलो एक्सपो जा रहे हैं हम. एक्सपो 2022. चलिए सब पेट्रोल भराया जाए. चलो चलते हैं. तो अब हम यहाँ पर आए हैं पेट्रोल भराने के लिए. पेट्रोल भराते हैं. तुम क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ मैप कहीं लगा सकती हूँ क्या. मैं मैप फोन ही पे लगेगा. फोन कहाँ लगा सकती हूँ ये बोलो. मतलब वही है. तो पेट्रोल आया हमें 180 दिरहम में फुल. 180 दिरहम इंडिया का हो गया कितना? 3600 रुपये में GMC फुल. मैडम जी स्माइल. मैडम जी गाली खा रही है. मीडियम जी गाड़ी चल रही है तो गाली तो थोड़ा खाएंगे है ना. हाँ जी, मजा आ रहा है तुमको और किसको? तुम्हारे साथ तो मजा कहीं करेगा गाली खाएगा. गाड़ी को अगर इंसान बैलगाड़ी की तरह चलाएगा. मैं खुश हूँ गाड़ी की तरह चला के ना. बैलगाड़ी ले लेते भाई. 110 में बैलगाड़ी नहीं चल. गाली खाने के बाद? गाली खाने के बाद नहीं, गाली खाने के पहले 100 में चल रहा. छोड़ो कार के लिए ऐसा करने में क्या है. क्या कर रहे हो? मैं नहीं कर रही. वही सही नाम रखा है तुम्हारा. अरे क्या नाम है पापा का? कंप्लेन बॉक्स एंड कुरकुर सिंह. तुम लोग नाम रखते हो मेरा. उसी दिन तो रखा था तुम्हारा नाम. सुम जाप जाप. पहुंच गए हम एक्सपो 2020. हो रहा है एक्सपो. हमें लेना है बस लेना है हमें वहाँ से. गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है पार्किंग सी. चलो जी फाइनली आ तो गए. अभी बज रहे हैं दोपहर के 2. भीड़ अभी भी है. अभी भी काफ़ी भीड़ है. अच्छा हुआ जल्दी आ गए. ये है दरुसलम. ये है इराक काउंटर. काउंटर बोलो या पवेलियन बोलो. लाइन लगा हुआ है एंट्री के लिए.
हाँ नीचे देखो हम लोग अभी खड़े हैं वेट कर रहे हैं मनीष गया हुआ है आदि के लिए पासपोर्ट लेने उसके पास एक पासपोर्ट था जब वो स्कूल से आया था तब उसके पास पासपोर्ट था पर मैं वो लेके आना भूल गई आप हर पवेलियन पे आप जाते हो तो उसमें स्टैंप लगता है आप जहाँ भी जाते हो पास आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है वो बेसिकली बच्चों के लिए है तो मनीष अभी गया है आदि के लिए एक लाने और हम लोग अभी धूप में खड़े हैं बहुत गर्मी लग रही है पासपोर्ट मिल गया पाकिस्तान से लगाया नहीं स्टैंप सबसे पहले पाकिस्तान से लगा अच्छा लग गया उसके बाद इंडोनेशिया पर लोग रिलैक्स हो रहे हैं गर्मी में द लैंड ऑटमबर्ग हाउस गर्मी है थक जल्दी जाएंगे इतनी बड़ी जगह पे और ये जगह अभी मेरी एक आर्ट से बात हुई थी तो ये जगह आप लोग एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर सकते नॉट पॉसिबल उन्होंने मुझे बोला कि 7 days 1 week आपको आना पड़ेगा ये पूरा कंप्लीट करने के लिए तो हम लोग आप पता नहीं और आज कितना ही देख पाएंगे मिनिमम अभी तक हमने सिर्फ 2 देखा है स्टार्ट किया था पाकिस्तान से और फिर इंडोनेशिया हालत तो उसी में ख़राब हो गई है बाकी अभी देखते हैं ये रहा UK लेट्स सी is simple, think of one word, your favorite word in English, something that is meaningful and close to your heart. From Expo, all your couplets are going to be combined into one long poem that will be in the World Guinness Book of Records, and today you have an opportunity to be part of it. तुम कौन सा word बोलने वाले हो? मेरा word है family. जो वर्ड मनीष ने लिखा है वो यहाँ पर डिस्प्ले में आने वाला है तो वो रहा मनीष का वर्ड फैमिली राइट देयर शादी गया है अपना पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने दे दो यहाँ पर ऐसे पानी मिल रहा है एक्सपो में फ्री में हमने लिया है पानी चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं आइसक्रीम मिलता तो आइसक्रीम खा लेते क्या देख रहे हो थक गए एक्चुअली काफ़ी दिन बाद गर्मी में निकले हैं ना गर्मी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है आइसक्रीम भी नहीं आइसक्रीम दे दो चलो खोजते हैं आइसक्रीम नीचे देखो ये क्या है यार ये मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पवेलियन है बट मुझे पता है ये हाँ ये ऐसे करके खुल जाता है पूरा पवेलियन हाईली नॉट रिकमेंडेड लिफ्ट से इज्जत से ऊपर लेके गीस उसके बाद पैदल छोड़ दीस तो गलत बात तो बेसिकली माल पत्थर सब नीचे लगाया इन लोगों ने तो ऊपर लेके क्यों गया फाइनली कुछ देखने मिला यहाँ
भाई हम वहाँ से घुसे थे और अब हम वहीं जा रहे हैं अल बेक। इसमें है ये खाले का लाइन, ये बहुत फेमस है एक्चुअली। तो अब हमें, हम लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड पेविलियन। खा नहीं रहे, हमें ले जाया जा रहा है। कौन बच्चा? ये है इजिप्ट का पेविलियन और उसके जस्ट बगल में है स्विट्जरलैंड। आई थिंक काफ़ी लंबी लाइन है। स्विट्जरलैंड, ये जितने लोग यहाँ जा रहे हैं ये लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं, ऊपर स्विट्जरलैंड सीधा लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर अपने आप को देख रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं, ये अपने आप को हाई बोल रहे हैं। इसमें मजा क्या आ रहा है? स्विट्जरलैंड सीधा लिखा हुआ दिख रहा है मिरर इमेज। हाँ, तो वो तो यहाँ से भी दिख रहा है, तो वहाँ जाके हाथ को देखो, लड़का जैसे डांस कर रहा है अपने आप को देख के। तो इसमें मजा क्या है? हाय, ऐसे भी तो मजा आ रहा है, कम से कम मैं तुमको बोल रहा हूँ हाय। थैंक यू। अपने आप को उस बोर्ड पे देख के हाय बोलने में क्या मजा है? अब हम भी बोलते हैं। प्लीज कमेंट। नहीं मैं नहीं, ये पागल बनती, तुम पक्का करने वाली हो ना। अरे फोटो ले लो। हाँ फोटो ठीक है, फोटो समझ में आता है। हाय, यहाँ तो खड़े होके क्या बोलना अपने आप को देख के। होल कॉन्सेप्ट होते हैं, पानी ऊपर से अंदर गिर रहा है और सब उसको देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही वो है, हमारा बच्चा भी वही कर रहा है। बेटा ये नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ही उसका वो है कि पानी ऊपर से नीचे गिरना चाहिए। सब ज्ञानी है यहाँ आके पानी को रोक रहे हैं। ये देखो ये तो एकदम ही मतलब ना जाने दूंगा भाई। ये देखो प्रभु कहाँ है आप? ये रे भाई, सिर्फ एक जगह ऐसा हो गया कि स्टैंप लगाने वाला बंदा नहीं है, मारामारी चल रही है स्टैंप के लिए। स्विट्जरलैंड हाईली रिकमेंडेड, हाईली, बहुत अच्छा था स्विट्जरलैंड वाला, मस्त, एक नंबर। ये है ममाइश, यहाँ पर उस एम को अगर एन कर दो नमाइश, मनाइश हो जाएगा। लाइन प्लेरिया, बच्चों का यहाँ पर बिजी हो जाते हैं बच्चे, अगर नैनी हुआ आपके साथ। ब्यूटीफुल, लोग रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा भारत महान, वो रहा हमारा भारत। यार इतनी देर से इंडिया कर रहे थे, वो मिला इंडिया, और इंडिया में सबसे ज्यादा लाइन है, ताकत नहीं है जाना है। अगली बात में यार, ये लोग यहाँ के पिकनिक मना रहे हैं, बढ़िया है यार। हाय, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, भूख लग रही है और मनीष भूख के मारे, भूख लग रही है। पापा आ गए, ये पापा, ये है पापा को तो भूख के मारे अभी चिड़चिड़ापन भी होता है। रेस्टोरेंट कैंसिल हो गया क्योंकि आदि को खाना है पिज़्ज़ा, और
आदि खाएगा अभी पिज़्ज़ा, तो हमने सोचा हम भी पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं जब एक को खाना है। मनीष यहाँ पर जगह मिल रहा है, बैठ जाओ। आदि ने लिया मैंगो, मम्मी ने लिया कोकोनट, पापा ने लिया चॉकलेट। पूरा दिन घूमने के बाद आइसक्रीम आइसक्रीम करके अभी जा रहे हैं टाइम पे। अमेजिंग कोकोनट आइसक्रीम, चॉकलेट और मैंगो वाला कहाँ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। पूरा कोकोनट बहुत महंगा है, लेकिन कितने का है? 20 दिरहम एक। अच्छा महंगा है, 300 रुपये का, 5 रुपये में मिलता है इंडिया में, 5 रुपये में, 5 रुपये में, 5 रुपये में, 5 रुपये ऐसा नहीं मिलता है, थोड़ा सा इससे खराब मिलता है। बहुत हमें देखना था रिवर्स वाटरफॉल। मनीष ऐसे चल रहा है लंगड़ा के, अब इसके वजह से हम जा नहीं सकते। अब ज़्यादा ही कर रहे हो तुम, अभी ज़्यादा ही कर रहे हो तो हम अभी नहीं जा रहे, आदि नेक्स्ट डे आए, अभी कब वापस आएंगे, ठीक है? एक्सपो आदि थोड़ा सा अपसेट है उसके लिए, पर हम लोग आएंगे, हम रिवर्स वाटरफॉल हम वापस आएंगे शाम को। लेकिन ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइट वाइट जल गया। ये रहा चाइना पवेलियन और हम यहाँ से ले रहे हैं एक्सिट अब बेलारूस। हम लोग जाके देख के आए अंदर, चले तुम और मैं, पहले ये खत्म करो। नहीं ये बात कर रहा है, देखो कम। हम लोग तो फॉरेस्ट में आ गए हैं। ट्री और गाड़ी सब एक साथ। ये देखो। Good afternoon. Good afternoon. How are you? Dog. Hi. Mm-hmm. Let me get my swag on, big man. I will never get bored. I am here. Mm-hmm. Let me get my swag on. Butterfly.
चले चलो। चलो जी बस लेके ही आना ना। हाँ यार वापस बस लेना पड़ेगा। सो हाँ भाई निकल गए। निकल गए बहुत अच्छा था। It was good fun। शायद मजा आया। हम वापस आएंगे शायद एक आधा दिन में, हो सकता है कल ही आए। कल पास में ही आना है हमें किसी काम से। लास्ट बार एक लुक दिखा देता हूँ है ना। हाँ आना है कल तो। क्यों काम से आ रहे हैं तो बताओ। कल हमारी दोनों की मेरी जिंदगी का तो बहुत दुखद दिन था। बर्बाद हो उसको सेलिब्रेट करने आएंगे। आठ साल पहले लगता तो 80 साल पहले टाइप है पर हुआ 8 ही साल। 10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट फेल है। जर्नी यहाँ पर ख़त्म हमारा एक्सपो का आज का। कल फिर आएंगे। ये हम लोग निकल चुके हैं एक्सपो से। तो ये रात को व्यू है यहाँ से। ये सारा पूरा एक्सपो का एरिया है पूरा। और जो हमने शायद एक ही एरिया मतलब यहाँ पर ही हमने बस कवर किया वो भी पूरा नहीं किया हमने। यही गए हैं बाकी के किसी और दिन आएंगे। मज़ा तो आया है। मज़ा तो आया। गलती हो गई हमें पहले भी आना चाहिए था। हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हमें पहले से ही आना चाहिए था। पूरा एक्सपो देखना बनता तो है। मुझे लग रहा था कि फोन भी मतलब क्या ही होगा बट क्या ही नहीं है भाई कुछ तो है। वर्ल्ड एक्सपो इज नॉट जोक। छोटी छोटी कंट्रीज का भी वहाँ पर पवेलियन बना हुआ है। छोटी छोटी कंट्रीज का भी जिसका शायद नाम मतलब घुसते ही तो होता बेलारूस तो बोली नहीं उससे भी एक था ना ब्रुनेई। बहुत सारा था यार हमने सुना ही नहीं है कभी नाम ही नहीं सुना है। सही बात है। ठीक है लोग पागल की तरह गाड़ी चला रहे हैं। मैं तो भाई ठीक है मैं स्लो चलाती हूँ पर मैं सारा रूल फॉलो करके चलाती हूँ। भाई ना कभी कभी सारा रूम कुछ कितने लोग इसमें से कितने लोग क्या मैक्सिमम लोग अबू धाबी से अब घर जा रहे हैं जिनको पता है कि आगे बहुत भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है तो वो जितना यहाँ पे टाइम बचाना चाहते हैं बचा सकते हैं वो बचा रहे हैं। तो गाइस आज इतना चले हम लोग एक्सपो में। मैं दिखाती हूँ चलने से हुआ क्या है हमें। देखिए मनीष का पैर फूल गया है स्वेलिंग हो गया है। वो जो मैं लंगड़ रहा था वहाँ पे दिस इज़ द रीज़न। बहुत ज़्यादा ये स्वेलिंग हो गया है इस पैर में। चलो जी गुड नाइट आज का दिन ख़त्म। बज रहे हैं यहाँ पे 11 और मीनाक्षी दबा रही है मेरा पैर वो मैं नहीं दिखा सकता। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत थक गए यार। कल शायद हम वापस जाएंगे। क्या बोलना चाहता है मतलब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऐसे बोला था। लाइक शेयर कमेंट। अच्छा ठीक है लाइक शेयर कमेंट। आपने क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइबर है क्या। हाँ।